संपूर्ण जगाला समता, बंधुता आणि शांतीची शिकवण देणारे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहेबांचा जन्मोत्सव म्हणजे ईद ए मिलाद हा सण भारतासह पूर्ण जगात उत्साहाच्या वातावरणात साजरा केला जातो. परंतु या उत्सवात डीजे आणि त्यामुळे घडणारे विकृत प्रकार जे पैगंबर साहेबांच्या मार्गदर्शनाविरुद्ध असल्याने पुण्यातील अनेक संघटना आणि विचारवंतांनी पुढे येऊन ईद मिलाद ही पारंपरिक पद्धतीने साजरी व्हावी याकरता मिशन नो डीजे या उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. काय आहे हा उपक्रम, कसे घडतात महामानवाच्या पवित्र उत्सवात विकृत प्रकार, कशामुळे डीजेला विरोध, या सर्व मुद्द्यावर टाइम्स ऑफ पुणे कडून तपशीलवार आढावा. पुण्यात ईद मिलाद उत्सवात होत असलेल्या नो डीजे मिशन संदर्भात इंडियन मुस्लिम फ्रंटचे संस्थापक मुन्नावर कुरेशी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया पाहूया. भाइयों को इंडियन मुस्लिम फ्रंट की जानिब से ईद मिलादुन्नबी बखलूस मुबारकबाद. हमारे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दोनों जहान के मालिक हैं, उनकी विलादत के मौके पर 10 तारीख को जोहर की नमाज़ के बाद पुणे शहर में बहुत ही बड़े पैमाने पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकलने वाला है. मेरी गुजारिश है सभी बज़मों से, नौजवान दोस्तों से, कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, उनके ग़ुलामों में से हैं, तो ऐसी कोई हरकत ना हो जिनसे ये समझ में आए कि हम गुस्ताख़ रसूल हैं. ऐसी कोई हरकत हम से नहीं होनी चाहिए कि लोग ये कहे कि ये देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं. ये चीज़ें हमको बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी. और जो तालीमात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं उसके ऊपर पूरी तरह से हमको एज अ मुस्लिम अमल करना है. और मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि ये हमारी इज्जत है, इनकी जगह पर्दे में है, घरों में है, ये बाज़ारों की जीनत ना बने. ये मेरी माँ बहनों से मोहतबाना गुजारिश, बज़मों से, तमाम मंडलों से मेरी पुरखलूस गुजारिश है कि वो डीजे जिसमें गाने अजीब अजीब तरह की म्यूज़िक न बजाए, क्योंकि जो तालीमात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो म्यूज़िक को नाजायज़ और हराम करार दिया गया है. और उन्हीं की विलादत के मौके पर अगर हम ऐसी गुस्ताखाना हरकत करते हैं तो सोचो एज अ मुस्लिम ये हमें ज़ेबा देता है क्या, क्या हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमसे खुश होंगे क्या. तो मेरी गुजारिश है नौजवान दोस्तों से कि इसका आप ध्यान रखें, डीजे ये आप ना लेकर आएँ.